जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीके क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी एंड जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रीमेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास टॉपिक के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप जीआईसी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि जीएस के 40 क्वेश्चन आपके प्रीमेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन जीएस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी की तैयारी के लिए हम आज एक दूसरा क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, और आप इस क्लास में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का भरपूर लाभ उठा सके। और सबसे ज़रूरी साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो इस चैनल में आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हमारा साथ आप दीजिए, आपकी तैयारी को हम 100% बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो सके। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है आण्यक। आपको बताना है कि इनमें से किसमें गायत्री मंत्र है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। बात करें ऋग्वेद की तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है तो वो तीसरे मंडल में है, और किसके द्वारा रचित? विश्वामित्र द्वारा रचित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता में है ऑप्शन ए 14 अध्याय एवं 600 संस्कृत श्लोक, ऑप्शन बी 16 अध्याय एवं 650 संस्कृत श्लोक, ऑप्शन सी 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक, ऑप्शन डी 20 अध्याय एवं 400 संस्कृत श्लोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं वेद व्यास ने, श्रीमद् भागवत गीता जो उसके रचयिता हैं वेद व्यास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में आए ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। तो आपको बताना है कि आर्य भारत में आए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। आर्य जो थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है
कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास किसे माना था, तो आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को माना था। यहाँ से आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि आर्य की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए थे? आर्य भारत में आए लेकिन सबसे प्रथम कहाँ आए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इसका ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी गंगेय प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य भारत में सबसे प्रथम पंजाब में आए थे। आपको बता दूं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, और आर्य की जो सभ्यता थी, उनके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी, इनका मूल निवास मध्य एशिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी शूद्र। आपको बताना है कि आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सभा। आर्य समाज चार वर्ण में विभाजित था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है शूद्र और चौथा है आपका वैश्या। आर्य जो थे ये चार वर्ण में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्या। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन यानी वैदिक सभ्यता से पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है सोना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम लोहा धातु का प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तो वो तांबा धातु था और इनके द्वारा जो बनाया गया औजार था वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमने देख लिया वैदिक कालीन लोगों ने, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या है, आपको बताना है कि कितने वेद हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 4। तो साथियों ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो वो ऋग्वेद में है। ठीक है, किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। इसके साथ ही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। चार वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए भृगु संहिता, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी जातक कथा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी
ऋग्वेद जो है वो आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऑप्शन ए आण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। आपको बताना है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया, वह कहाँ से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है, जिसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह कहाँ से लिया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी भगवद गीता से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। बात करें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में, तो इसमें तीन सिंह दिखाई देते हैं और अगर इसकी मूल आकृति की बात किया जाए तो इसमें चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े रहते हैं। इसके नीचे की पट्टी के मध्य में ओभरी नकाशी में चक्र बनाया हुआ है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ए है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ऑप्शन सी ईसा से 302 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी ईसा से 298 वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है अजितनाथ, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। आपको बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, और अंतिम पूछा जाए यानी 24वें पूछा जाए तो वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए खुशीनगर, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो साथियों इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर की जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञातुक कुल के सरदार थे वो, और इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया, ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर सी दिगंबर आय श्वेतांबर, ऑप्शन डी महायान तथा हीनयान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भगवान महावीर। ध्यान रखिएगा दोस्त साथियों, अगर आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा भगवान महावीर स्वामी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है अनुजा, ऑप्शन सी है चेतक, ऑप्शन डी है त्रिशला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए खुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी लुम्बनी। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लुम्बनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बनी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 567 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 577 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 567 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बनी नेपाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जन्म की बात किया जाए तो कपिलवस्तु लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था। किस सन में हुआ था? 567 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ऑप्शन ए महाभिनिशीकरण, ऑप्शन सी धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी उपसंपदा या ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग जब किया था भगवान महात्मा बुद्ध ने, तो उसे महाभिनिशीकरण कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में खुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अपर्जित भोजन करने के बाद हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। और आज की इस क्लास में
जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है 100% गारंटी है इनमें से आपके एक प्रश्न तो पक्का आएगा ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए ताकि आप सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और बहुत अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकें। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।